नमस्कार दोस्तों, आपका धनवंतरी कृपा हेल्थ सेंटर में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जितने भी L4, L5, S1 साइटिका वाले या सर्वाइकल प्रॉब्लम वाले ये वीडियो देख रहे हैं, कृपया आप सभी लोगों से ये मेरी प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, जो दो चीज़ें किसी भी पेशेंट को, इस तरह का कोई भी पेशेंट है, चाहे नस दब गई है या साइटिका है या L4 L5 की समस्या है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उसके लिए पहले तो खान पान की बहुत बड़ी इसमें चूक होती है आदमियों से, जो जिनको ये दिक्कत होती है। और होती क्यों है ये भी थोड़ा सा मैं शॉर्ट में डिस्कस करूँगा। और परहेज आपने मुख्यतः कौन कौन सा करना है, अगर आपको हल्की सी भी कमर में दर्द रह रही है तो समझ जाइए कि आपको भविष्य में कभी भी ये स्पाइन प्रॉब्लम होने वाली है। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अब इसमें जो मेन चीज़ आती है वो पहला आता है परहेज। परहेज में जितने भी खट्टे फल होते हैं, सेब हो गया, अनार, अपना अंगूर हो गए, या दूसरा कोई भी खट्टा फल है, इसके लिए ये पॉइजन की तरह काम करते हैं। दही, लस्सी, अचार, उड़द की दाल, आलू, राजमा, उड़द की दाल, ये पांच, या चावल, ये पांच ही चीज़ें दोस्तों आपको, जिनको कमर में दर्द हो चुकी है वो कृपया इन चीज़ों को बंद कर दीजिए। या कुछ लोगों को रात को खट्टा खाने की आदत होती है, जैसे अचार ले लिया, दही ले लिया, तो उसके बिना वो खाना नहीं खाएंगे। तो इस पोजीशन में जो व्यक्ति भी रात को खट्टी चीज़ खाता है, समझ लीजिए उसकी वो प्रॉब्लम जो है वो, जैसे आजकल गर्मियां हैं तो सर्दियों में वो चार गुना होने वाली है। तो सबसे पहले इन चीज़ों का परहेज रखिए। और जो लोग होती क्यों हैं ऐसी समस्याएं, जो रात को अधिक बायवादी वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं या खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उनको ये चीज़ कभी भी हो सकती है। जैसे सुबह अपने बाल्टी उठाएंगे या सीढ़ियाँ चढ़ेंगे या वजन उठाएंगे, दोस्तों तुरंत आपको ये समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों का, ये नहीं कि जिनको समस्या है वो ही इन चीज़ों का ध्यान रखें, जिनको हल्की सी कमर में दर्द है वो भी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों, आज बहुत ही बड़े ज़बरदस्त नुस्खे के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि अपना कोई घरेलू नुस्खा बताइए, तो दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर इसको पहली बार बता रहा हूँ। इसमें एक तो खाने वाली आप औषधि तैयार कर सकते हैं, दूसरा एक और जो चीज़ है जिससे आप शिकायत कर सकते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है दोस्तों गिलोय का। गिलोय, गुरुजी, ये एक ही नाम है, सभी लोग जानते हैं गिलोय के बारे में, लेकिन कुछ लोग इसको प्रयोग में नहीं कर पाते कि इससे दर्दों में कैसे फ़ायदा लिया जा सकता है। गिलोय जो है दोस्तों कम से कम 100-150 बीमारियों में काम करती है और इसको अमृता कहा गया है। गिलोय के जो उपयोग हैं वो भिन्न भिन्न बीमारियों के ऊपर भिन्न भिन्न ही होता है। अब जैसे कुछ लोग बोल देते हैं कि हम कुछ लोगों को गिलोय का सेवन करने से शरीर की दर्दें चली जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसा कहते हैं कि हमें शरीर में दर्दें हो जाती हैं। तो दोनों ही परिस्थितियों से निपटने के लिए आप, जिनको गिलोय सूट नहीं करती है, जिनको पेन हो जाता है, अब उनका इस प्रयोग से पेन भी जाने लगेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी, पैरों के तलवों में जो आपका सुनपना है या जलन रहती है वो भी सारी खुलेगी। तो दोस्तों, गिलोय को आप एक सर्वसाधारण औषधि मत समझिए, ये दिव्य औषधि है। तो आपने करना क्या है कि जैसे इतनी सी डंडी, यानी कि 6-8 इंच की डंडी लेनी है, और जितना अंगूठा मोटा होता है उतनी वो बेल मोटी हो। अब उसको आप अच्छी तरह से बॉईल करना है। जब पानी जो है आपका
उसको कूट कर डालें, ऐसे कभी नहीं डालें, अदरवाइज उसका रस जो है वो नहीं निकलेगा। उसको थोड़ा साफ़ करके फिर कूट लें, कूटने के बाद उसको अच्छी तरह बॉयल कर लें। जब बॉयल करने के बाद वो पानी हाफ़ रह जाएगा, तो पानी हाफ़ होने पर आप उसको छान लें। छानने के उपरांत इसके दो तरीके हैं लेने के, एक तो अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल जिसको हम कहते हैं, आप उसके अंदर एक चम्मच अरंडी का तेल मिला लीजिए। और उसको, इसमें भी दो भेद हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर कोई पतले शरीर वाला है तो ठंडा होकर पिए, अगर कोई मोटे शरीर वाला है तो वो जैसे जितनी चाय गर्म होती है उसको सिप सिप करके पी जाए। दूसरा प्रयोग लेने का ये है कि जैसे आपने इसको प्रयोग में लेना है, काढ़ा बना लिया, काढ़ा बनाने के उपरांत जैसे ये हाफ रह जाएगा, उसके अंदर आपने दो चुटकी यानी कि टू पिंचज आपने इसको उस काढ़े के अंदर छानने के बाद जो है वो सौंठ पाउडर मिला लेना है। और उसको भी विधि सेम ही रहेगी, जो पतले आदमी हैं वो ठंडा करके पिए और जो मोटे लोग हैं वो गर्म करके पिए। मैं इसलिए कहता हूँ कि गिलोय का एक ये बहुत बड़ा प्रयोग है, अगर आप इसको गर्म गर्म पीते हैं तो ये वेट लूज़ करती है, अगर ठंडा करने पर पीते हैं तो ये आपका वेट लूज़ नहीं करेगी। तो जो लोग मोटे हैं वो इसको जितनी चाय गर्म होती है उसको वैसे पिए, ऐसे नहीं एकदम पी जाना, गला जल जाएगा, कहीं और नुकसान हो जाएगा। तो उसको आपने जितना जैसे चाय पीते हैं उसी तरह पीना है। एक और जो महत्वपूर्ण प्रयोग है दोस्तों, आकाश बेल, जो झाड़ियाँ होती हैं उसके ऊपर पतली पतली बेल होती है, उसके ऊपर पत्ते नहीं होते हैं, आप उसको इतना सा लेकर के आप उसको हल्का सा कूट लें। हालांकि उसके अंदर पानी होता है, अगर डायरेक्ट डालना चाहें तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप हल्का हाथ से भी मसल देते हैं, अगर हाथ से मसल देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और उसको बॉयल कर लीजिए, 1 लीटर 1.5 लीटर जो भी आप तैयार करना चाहेंगे। तो जहाँ भी आपको समस्या है, जहाँ भी आपको पेन है दोस्तों, उस पानी से आपने एक सूती कपड़ा लेकर के उस जगह की सिकाई करनी है। और एक जो मुख्य इसमें तथ्य है वो क्या है, कभी भी सिकाई करनी है तो जैसे आपने कपड़ा लिया उसको भिगो कर लिया तो एक ही जगह नहीं रखना है, आपको उसको ऐसे प्रेस की तरह फेरते रहना है। जब वो कपड़ा ठंडा हो जाएगा उसको दोबारा उसके निचोड़ लीजिए, दोबारा उसके अंदर डाल दीजिए, डालने के उपरांत आप इसको तैयार कर सकते हैं और आप इससे फ़ायदा ले सकते हैं। एक और जो उसका प्रयोग होता है, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं जिनको बैठने पर पैरों में सूजन आ जाती है, तो वो जो किडनी का एक कमज़ोर होने का लक्षण होता है, तो उससे आप अगर सिकाई करते हैं या पैरों को उसके अंदर डाल देते हैं तो उसमें भी ये बहुत रामबाण काम करता है। ये जो हमारे यहाँ बहुत ही प्राचीन पद्धति है, कभी भी किसी को टांगों में या पैरों में सरिंग आती है तो उसकी सिकाई जो है बहुत मानी जाती है। तो मैं सभी से आग्रह करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।